नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 और बड़ी खास खबरों पर। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में आईएमए ने एक पर्चा निकालकर ऐलान किया है कि आज यानी 17 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। बता दें, इसके चलते आज अस्पताल, क्लिनिक, ओपीडी की सभी सेवाएं बंद रहेंगी। आम चुनाव के बाद बीजेपी के संगठन चुनाव की कवायद शुरू हो रही है। बता दें कि आज यानी 17 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। बैठक में मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल होंगे। आज यानी 17 अगस्त 2024 को बैंक बंद रहेंगे। बता दें कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक भारत में बैंक पर रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं, जबकि महीने के पहले, तीसरे और पांचवें दिन बैंकों में कामकाज होता है। आज यानी 17 अगस्त से 28 सितंबर तक झारखंड से चलने वाली ट्रेनें रहेंगी रद्द। बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने 18 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। दरअसल वजह यह है कि इस अवधि में चक्रधरपुर रेलमंडल में विकास कार्य चलेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल 1 आज यानी 17 अगस्त से चालू होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च को इस टर्मिनल का उद्घाटन किया था। हालांकि नियामक मंजूरियां मिलने के बाद आज ये ऑपरेशनल होगा। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ अपनी T20 लीग दिल्ली प्रीमियर लीग की शुरुआत आज यानी 17 अगस्त से होगा। आपको बता दें कि इस T20 लीग के पहले सीजन में पुरुष और महिला दोनों ही टीमें खेलते हुए नजर आने वाली हैं। पिथौरागढ़ नगर में वित्तीय वर्ष 2024-25 की जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक आज होगी। बता दें, ये बैठक विकास भवन सभागार में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। उक्त बैठक में राज्य मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहेंगे। श्रीनगर में चिनार पुस्तक महोत्सव आज यानी 17 से 25 अगस्त तक श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि ये महोत्सव राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और श्रीनगर प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया जा रहा है। जिला ऊना के उपमंडल बंगाड़ा के एक निजी पैलेस में आज यानी 17 अगस्त से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित होगा। आपको बता दें कि आज से 18 अगस्त तक चलने वाला ये 2 दिवसीय शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित किया जाएगा। तेलंगाना विकास योजना सोसाइटी के अनुसार रात 8 बजे तक सिकंदराबाद में 74.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद मुशीराबाद में 73 मिलीमीटर, रामचंद्रपुर में 68.5 मिलीमीटर और कुकुटपल्ली में 64.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1717 में आज के दिन फ्रांस, रूस और प्रशिया के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। साल 1743 में आज के दिन स्वीडन और रूस के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। साल 1858 में आज के दिन हवाई द्वीप में पहला बैंक खोला गया था। साल 1961 में आज के दिन हिंदी भाषा की जानी मानी कवित्री अनामिका का जन्म हुआ था। साल 2020 में आज के दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्वविख्यात गायक पंडित जसराज का निधन हुआ था। न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।